सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या होता है साथियों, हर एक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन आज के दौर में है हर एक घर में, और उसमें व्हाट्सअप आप लोग जरूर चलाते हैं। तो क्या होता है कि ऐसे में अगर आप व्हाट्सअप चला रहे हैं, व्हाट्सअप में इतने ज़्यादा मैसेजेस, इतने ज़्यादा वीडियो आने की वजह से हमारा फ़ोन गैलरी भर जाता है, स्टोरेज भर जाता है। बाद में हम वो सारे फ़ोन को डिलीट करने के लिए 10 से 15 मिनट का समय वेस्ट करना पड़ता है। तो मैं आपको ऐसी सेटिंग बताने वाला हूँ जहाँ से आप आसानी से आपके फ़ोन में वो सेफ नहीं होंगे। जिन मैं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हमारे टेक्निकल नीरज चैनल को। तो अगर अभी तक आपने हमारे टेक्निकल नीरज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस सेटिंग के बारे में पता लग सके। तो दोस्तों क्या हुआ, कल मैंने एक वीडियो क्रिएट कर रहा था, तो वहाँ पर देखा कि मेरा स्टोरेज पूरा फुल हो चुका है। फिर मैंने वो सारे मैसेज को डिलीट करने के लिए मुझे 15 से 20 मिनट का समय लगा। जी हाँ साथियों, क्या होता है आपको भी ऐसा कुछ करने को देखने को मिल सकता है कि जब आपका स्टोरेज भर जाए तो आप सारे व्हाट्सएप के चैट, वीडियो, गुड मॉर्निंग मैसेज, गुड नाइट मैसेज को डिलीट करना पड़ता है। तो आप क्या करें, तो आपको एक सेटिंग करना है जहाँ से आपके वो जो सारे मीडिया पे आते हैं, वो सारे मैसेजेस, वो सारे वीडियो आते हैं, वो आपको सेफ नहीं होंगे। वो आपको आप देखेंगे डाउनलोड करके, लेकिन आपके फ़ोन में वो सेफ नहीं होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, तो बने रहिए इसी वीडियो में। मैं सेफ होने वाले नहीं है, क्या होता साथियों आपका सारा स्टोरेज भर जाता है और आप परेशान हो जाते हैं कि यार कौन सा फ़ोटो डिलीट करूं, कौन सा वीडियो डिलीट करूं। तो मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगी जहां से आप जाके वो एक सेटिंग करेंगे, मात्र एक सेटिंग करने से आपका कोई भी वीडियो आपके मोबाइल में सेफ होने वाला नहीं है। जी हाँ साथियों, इसी वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ, तो बने रहिए इसी वीडियो। वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, फाइनली मैं अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ। कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों, यहाँ पे आपको अपने व्हाट्सएप पे जाना है, जिस व्हाट्सएप को आप यूज़ कर रहे हैं व्हाट्सएप में आपको ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आपको जो सेटिंग करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस नंबर पर मैं करना चाहता हूँ। जो किसी का भी नंबर, अगर आपका ग्रुप है, ग्रुप में करना चाहते हैं, या फिर किसी का फ़ोन, या फिर सारे मैसेज पे करना चाहते हैं, फिर किसी मैसेज पे करना नहीं चाहते हैं, किसी मैसेज पे करना चाहते हैं। जैसे क्या होता है कि आपके ग्रुप में देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली सी आपको जो पे करना है, जिसका मैसेज आप डाउनलोड नहीं करना चाहते, अपने गैलरी में सेव नहीं करना चाहते, आपको उसी का व्हाट्सएप को, जैसे ये मीडिया आप देख, जैसे आपको देखने को कुछ इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, तो आपके उसको डायरेक्टली यहीं से प्रोफाइल पे आपको ओपन कर देना है। जैसे मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप को करके दिखाता हूँ, कौन से ग्रुप का करना चाहता हूँ, तो इस ग्रुप को करूँगा। इस ग्रुप करने के बाद आपको देखते हैं यहाँ पर जो मीडिया का जो प्रोफाइल खुल के आएगी, कुछ इस तरह का आपको प्रोफाइल देखने को मिलेगी, जिसका भी आप करना चाहते हैं सबका अलग अलग रहेगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये गोले आइकन बटन आ रहा है, आई का एक गोला बटन आ रहा है, आपको सिंपली से इस पर ओके कर लेना है। इस पर ओके करने के बाद आप देख सकते हैं म्यूट नोटिफिकेशन, कस्टम नोटिफिकेशन, मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो ये जो लास्ट में मीडिया विजिबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको यहीं पे सिंपली से ओके जो आप देख रहे हैं ये इसी पर आपको ओपन कर देना है। इसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं सो न्यूअरली डाउनलोड मीडिया फ्रॉम दिस चैट योर फोन्स गैलरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया है, तीन ऑप्शन कुछ इस तरह का दिया गया है, कुछ जो तीन ऑप्शन दिया है, कुछ इस तरह का तीन ऑप्शन दिया गया है। पहला है डिफ़ॉल्ट यस, दूसरा यस, तीसरा नो। तो आपको सेव नहीं करना है, तो आपको नो पे ओके कर देना है। नो पे ओके करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली से ओके का बटन दबा देना है। ओके का बटन जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये सेटिंग हो चुका है साथियों। अब अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप अपने दूसरे नंबर से इस व्हाट्सअप नंबर पर जिस पे आपने किया है उस पे एक मैसेज करके ज़रूर देख लेना। वहाँ पे जब देखेंगे तो आपका जो मैसेज आएगा वो सेफ नहीं होगा, वहाँ से डायरेक्टली क्या होगा कि वहाँ से वो सेफ नहीं होगा। आप देखने के बाद वो आपके फ़ोन में सेफ नहीं होगा, सिर्फ आपके मोबाइल फ़ोन में रहेगा, लेकिन गैलरी में सेफ नहीं होगा। फालतू का आपका स्टोरेज नहीं लेगा। जैसे मैं अब दूसरे नंबर भी करके दिखा देता हूँ, जैसे ये है जो आपका नॉर्मल फ़ोन, जिसका नॉर्मल मोबाइल से, जिसका भी किसी एक का फ़ोन में करना चाहते हैं, जैसे किसी का नंबर है तो आपको कुछ
तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो आपको यहाँ पे इस पर ओके करना, प्रोफाइल पे, प्रोफाइल पे ओके करने का जो आइकन बटन है इस पर ओके कर लेना। इस पर ओके करने का मीडिया विजिबिलिटी पे चले जाना है। तो आपको मीडिया विजिबिलिटी पे चले जाना, इसको ओपन करना। इस पर ओके करने के बाद और जो लास्ट वाला ऑप्शन नो का आ रहा है उस पर ओके करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके का बटन प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आप इसको आसानी से चेक जरूर कर सकते हो। तो आज का वीडियो बस इतना ही साथियों। अगर आपको कुछ इसमें अगर अलग से पूछना है या फिर आपको लगता है किसी और पे वीडियो मुझे बनाना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर ज़रूर से ज़रूर वीडियो बनाऊँगा साथियों।